हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आज आपको बताते हैं कि YouTube वीडियो में आप एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं या आप इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, एंड स्क्रीन की मदद से आप अपने चैनल पर रेगुलर व्यूज और रेगुलर सब्सक्राइबर आप अपने चैनल पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। YouTube स्टूडियो की जो वेबसाइट है उसे अपने ब्राउजर में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में जहाँ पर आपके YouTube चैनल का प्रोफाइल है उसके नीचे दो नंबर पर जो कॉन्टेंट का सेक्शन है इस पर आप टच कीजिए। ठीक है, यहाँ से टच करने के बाद जो भी आपने वीडियोस अपलोड किए होंगे वो सारी शो हो जाएंगे और जो अभी तक वीडियो पब्लिक नहीं होगी वो अभी यानी जो अनलिस्टेड वीडियो है वो अभी शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर ही एक हमने फॉर डेमो के लिए एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जो कि अभी अनलिस्टेड है, यानी इसकी विजिबिलिटी अनलिस्टेड है। ठीक है, तो आप इस पर टच कीजिए। ठीक है, टच करने के बाद आप आपके वीडियो से संबंधित जो भी यहाँ पे होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल लगाना, सब कुछ यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना, अगर इसे आप प्लेलिस्ट में डालना चाहते हो वो सारी चीज़ यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इस वीडियो पे लगाना है एंड स्क्रीन। ठीक है, तो एंड स्क्रीन लगाने के लिए इसको हल्का सा इधर आप लेफ्ट साइड में स्लाइड कीजिए, नहीं हो रहा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, तो इधर राइट साइड में एक एंड स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप इस पर टच कर दीजिए। ठीक है, टच कर देने के बाद यहाँ से ये आपका एंड स्क्रीन खुल गया है। ठीक है, आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पांच प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, पहला है जहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेड फ्रॉम लेटेस्ट वीडियो एलिमेंट के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसे टच करते हैं तो यहाँ से दो वीडियो जो प्रेजेंट टाइम की होंगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, और उनका जो पोजीशन होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो सेकंड लिखा हुआ है कि वन वीडियो वन सब्सक्राइब, इसको लगाएंगे तो एक तरफ एक आपकी वीडियो शो होगी और एक तरफ आपके सब्सक्राइब का जो लोगो है वो दिखेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर तीन नंबर पर है यहाँ से आप जब इसे सेट करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में सब्सक्राइब का बटन, राइट साइड में वीडियो। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि टू वीडियोस, इसको आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो बीच बीच में दोनों तरफ एक एक वीडियो शो होगा। ठीक, फिर नीचे आता है कि आता है आपका है कि एक वन वीडियो वन प्लेलिस्ट, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो एक आपका वीडियो रहेगा, एक आपका प्लेलिस्ट होगा जिसमें आपने बहुत सारी वीडियोस जो सेम होंगी उनको रखा होगा। ठीक है, एक आता है आपका ऑप्शन वन वीडियो वन प्लेलिस्ट वन सब्सक्राइब, इसको अगर आप करते हैं तो दोनों साइड में यानी लेफ्ट और राइट साइड में आपका वीडियो शो होगा और बीच में उन दोनों का एक आपका सब्सक्राइब का आइकॉन शो होगा। ठीक है, इसके माध्यम से जो लोग भी आपकी वीडियोज़ को देखेंगे, ठीक, तो जो भी आपने वीडियो सेट किया होगा एंड स्क्रीन पे वहाँ पर भी जाकर उसको भी देखेंगे। ठीक है ना, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपने सब्सक्राइब का आइकॉन लगाया होगा उससे भी लोग सब्सक्राइब करके आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इससे आपके चैनल पे नियमित तौर पे जो आपकी पुरानी वीडियोज़ है उन पर भी व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। ठीक है ना, बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो वो एटलीस्ट 30 सेकंड से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी आप इन सारे एंड स्क्रीन को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एक बार सेट करने के बाद एक आपको डेमो दिखा देते हैं कि मान लीजिए मुझे ये सेट करना है। ठीक, तो जो यहाँ पे लेटेस्ट हैं वो वीडियोज़ यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप मैनुअली भी इसके पोजीशन को अपने मन अनुसार ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये सूटेबल दिखे आपके अनुसार। अगर यहाँ पे आप दूसरा वीडियो रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर लेफ्ट साइड में YouTube तीन ऑप्शन देता है, एक एक मोस्ट रिसेंट अपलोड, इस पर करेंगे तो जो भी हाल फिलहाल के रिसेंट वीडियो होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बेस्ट फॉर व्यूअर, अगर इस पर आप करते हैं तो जो यूट्यूब है आपके चैनल से ऑटोमेटिकली एक ऐसे वीडियो को सिलेक्ट करेगा जो व्यूअर के लिए परफेक्ट हो।
ठीक है। थर्ड है वीडियो, यहाँ से आप मैनुअली जो वीडियो चाहे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप टच कीजिए, जो यहाँ पे वीडियो का सेक्शन है इस पे आ जाइए, ठीक। यहाँ पे आने के बाद जो भी आपने वीडियोस अपलोड किए होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस टाइप से सारी वीडियोस यहाँ पे शो हो जाएंगी। और जो भी वीडियो आपको यहाँ पे सेट करना है, यहाँ से आप जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ ख्याल रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पे वीडियो लगाइएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी आप वीडियो लगा रहे हैं वो रिसेंट वीडियो है, यानी जो आपने वीडियो जिस वीडियो पर आप लगा रहे हैं उससे किसी प्रकार से संबंधित हो, तभी जो व्यूअर हैं आपकी रिसेंट वीडियो को देखकर आपके पुराने वीडियोस पे भी जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आप इस ट्रिक या इस एंड स्क्रीन की मदद से आप अपने चैनल को नियमित तौर पे व्यूज़ मिलता रहेगा, और साथ ही लोगों का सब्सक्राइब भी करेंगे, तो इससे आपके चैनल का सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्राइबर भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही एंड स्क्रीन वीडियो सेट करने के बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक दिखेगा, ठीक है। और इसको यहाँ से टच करके इधर उधर स्लाइड कर सकते हैं कि किसके बाद ये दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर 40 सेकंड में हम सेट कर देते हैं, हम तो जो मेरा एंड स्क्रीन का जो वीडियो है वो 40 सेकंड के बाद व्यूअर्स को लास्ट तक दिखेगा, क्योंकि ये 50 सेकंड की वीडियो है, ठीक है। तो ये 40 से लेकर 50 सेकंड तक चलेगा, ठीक है। अगर आप सेट नहीं करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके वीडियो के अनुसार, यानी एक अगर वीडियो चूज करते हैं तो कम अंतराल होगा, दो चूज करते हैं तो ज़्यादा होगा, तीन चूज करते हैं तो और ज़्यादा होगा, और साथ में अगर आप ये सब्सक्राइब बटन इसमें अटैच करते हैं एंड स्क्रीन पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका टाइम इंटरवल सेट होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से मन चाहें तरीके से आप इसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितने सेकेंड के बाद ये व्यूअर्स को आपकी वीडियो पर दिखे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।